नमस्कार दोस्तों, आज हम एशिया के सबसे बड़े तोप के बारे में बताएंगे जो भारत में जयपुर के जयगढ़ फोर्ट पर रखी है, जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। जयपुर में जयगढ़ किले पर रखी जयवान तोप एशिया में सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। इसके गोले से शहर से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में तालाब बन गया था। आज भी ये तालाब मौजूद है। जयगढ़ किले का निर्माण 1726 में हुआ था, जब भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा बढ़ता जा रहा था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने किले और परिधि की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाया था। जयवान तोप का निर्माण भी सुरक्षा चक्रों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। उस वक्त के दौर में इस तोप का इतना खौफ था कि दुश्मनों के लिए भी भारी चुनौती बन गई थी। एशिया की सबसे बड़ी ये तोप जयगढ़ किले के डूंगर दरवाजे पर रखी है। इसका कुल वजन 50 टन है। जयवान तोप की नाली से लेकर अंतिम छोर की लंबाई 31 फीट 3 इंच है। लोग कहते हैं कि 35 किलोमीटर तक माप करने वाले जयवान तोप को एक बार फायर करने के लिए 100 किलो गन पाउडर की जरूरत होती थी। जयवान तोप को पहली बार परीक्षण के लिए चलाया गया था तो जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित चाक्षु नामक कस्बे में गोला गिरने से एक तालाब बन गया था। जयगढ़ किले के अंदर का दृश्य भी देखने लायक है। अरावल्ली पहाड़ियों के बीच किले और किले की दीवारें भी अवैध है। तोप का गोला बनाने का उपकरण भी खास था। जयवान तोप में 8 मीटर लंबे बैरल रखने की सुविधा है। ये दुनिया भर में पाए जाने वाली तोपों के बीच सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तोप है। जयगढ़ किले में रखी जयवान तोप को लेकर बताते हैं कि यही वो दीवार पर है जिस पर रखकर तोप चलाई गई थी। तोप की क्षमताओं और उससे जुड़ी कई जानकारियां बहा लगे बोर्ड पर पढ़ी जा सकती है। इतिहासकार बताते हैं कि निर्माण के बाद इतना अधिक वजनी होने के वजह से इसे महल से कभी निकाला नहीं गया और ना ही किसी युद्ध में इस्तेमाल किया गया।